Hi guys welcome to an academy so this is our youtube channel let's crack 11 cbse commerce a quick introduction about myself i have uh, i'm a rithi spandana i have done my btech in instrumentation and control engineering and i have 9 years plus teaching experience and i'm a faculty in hyderabad so this is a, a quick uh, review of our uh, unacademy platform uh, this is about the app and what is it that you're going to get on the app सो यू गोइंग टू गेट डेली लाइव क्लासेस सो बेसिकली डेली लाइव क्लासेस गिव यू अ रियल टाइम क्लास रूम एक्सपीरियंस तो आपको एक रियल टाइम क्लास रूम एक्सपीरियंस मिलेगा ये डेली लाइव क्लासेस के थ्रू सो बेसिकली यू विल बी एबल टू गेट ऑल योर डाउट्स क्लरिफाइड जस्ट लाइक अ रियल क्लास रूम सेशन एक नॉर्मल रेगुलर क्लास रूम सेशन के वजह से आपको आपके सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर यू नो लाइव सेशन में क्लैरिफाई कर सकते हो सो यू विल हैव कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द सेशंस, ऑल टॉपिक्स एवरी सब्जेक्ट दैट यू हैव एंड जो भी लाइव सेशन आप अटेंड करोगे आप वहाँ पे नीचे आपके डाउट्स क्लैरिफाई करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लाइव चैट दैट विल गो ऑन एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ डेली लाइव क्लास इज दैट आपको एक रियल टाइम क्लासरूम का ही एटमोसफेयर नहीं मिलेगा बल्कि यू विल बी एबल टू आंस आस्क ऑल योर डाउट्स एंड गेट देम क्लैरिफाइड एंड देर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर दी सेशंस तो अगर आपका रेगुलर सेशंस या ट्यूशन क्लासेस की बात करते हैं तो उनका एक रेगुलर सेशन का टाइम होता है उसके बाद आपको डाउट्स uh, या किसी भी चीज के लिए क्लरिफिकेशन के लिए समय नहीं रहता है फैकल्टी मेंबर इज गोइंग टू वेट फॉर योर डाउट्स टू बी क्लैरिफाइड देर इज नो टाइम लिमिट टू दीज एवरी फाइव क्लासेस वी विल हैव वन डाउट सेशन सेपरेटली तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म अनकेडमी प्लेटफॉर्म के जो लाइव सेशन होंगे उसमें हर फोर टू फाइव क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन रहेगा सो दैट एक्सक्लूसिवली जो है वो एजुकेटर सिर्फ और डाउट सिर्फ आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे पूरे सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक के डाउट्स जो आपके हैं वो क्लियर होंगे उस पर्टिकुलर डाउट सेशन में सो वी गोइंग टू हैव अ डाउट सेशन एज वेल एंड हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद एक छोटा सा क्विज रहेगा सो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ अर गोइंग टू टेस्ट यू एंड द क्विज इज गोइंग टू हेल्प यू एंड एनालाइजिंग वॉट आर योर स्ट्रांग एरियाज़ एंड वॉट आर योर वीक एरियाज़ तो ये क्विजेज़ और लाइव टेस्ट जो है उससे आपको पता चलेगा आप कौन से एरियाज़ में आपको हार्डवर्क करना है और कौन से एरियाज़ में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो दिस विल रियली हेल्प यू एंड अंडरस्टैंडिंग वट काइंड प्रेपरेशन यू नीड टू डू फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन द कोर्सेज अर गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली स्ट्रक्चर्ड सो सारे सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं सब कुछ सी बी एस सी पैटर्न के हिसाब से रहेंगे सो वॉट इज दट यू गोइंग टू गेट एडिशनल इज अगर हम कोई भी लेसन की बात करते हैं तो यूजली वी अंडरस्टैंड द लेसन एंड लुक एट द एनसीआर टी क्वेस्चन्स फ्रॉम दैट लेसन बट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन आर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म विल नॉट ओनली बी डूइंग द लेसन एंड क्वेश्चन फ्राम एन सी आर टी बुक बट वी विल बी डूइंग मैनी एडिशनल क्वेश्चन क्योंकि जैसे आप भी जानते हो आपके एग्जाम में एन सी आर टी टेक्सट बुक से डरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं यूजली थोड़ा अलग आते हैं या क्वेश्चन का फॉर्मैट चेंज हो के आता है तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर सेशंस में एंड वी आर गोइंग टू हैव सम एडिशनल सेशंस लाइक वोकेबुलरी एंड ग्रामो बिल्डिंग सेशंस व्हिच विल आल्सो हेल्प यू विद योर ओवरऑल प्रिपरेशन सो दिस इज़ फॉर इंग्लिश इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए इफ यू टेक स्टैटिस्टिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो सब सब्जेक्ट्स में ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा क्विजिस रहेंगे टेस्ट रहेंगे सब कुछ रहेगा एज इट इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स

तो सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स के सारे वीडियो सेशंस, आपके खुद के टेस्ट और क्विजेस और सब एडिशनल क्लासेस जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं सब कुछ एक रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पर रहेगा जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो और जितने भी बार हो उतने बार आप एक्सेस कर सकते हो सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज दैट यू गेटिंग ऑन आर प्लेटफॉर्म ओके एंड लेट्स लुक एट दिस लाइव सेशंस यू कैन यूल गेट एन अपरचुनिटी टू प्रपेयर विद आर टॉप एजुकेटर्स सो हमारे सारे एजुकेटर्स जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड है दे हैव अ लॉट ऑफ यू नो एक्सपीरियंस सो जो भी आपके डाउट्स है जो भी कुछ है एवरी थिंग इज गोइंग टू बी रिसोल्व एंड सॉट इड वेरी कन्वीनियनली वेरी ईजीली सो द सिलेबस इज गोइंग टू बी एप्सोलूटली कॉम्प्रीहसिड अर्लियर ऑल यू हैव टू डू गोइंग टू गूगल ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर एंड डाउनलोड आर ऐप अन अकेडमी लर्निंग एप और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आप फ़ोन पे यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चूज़ करना है कौन से क्लास का या कौन से सब्जेक्ट का या कौन से एग्जाम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है एंड योर गुड टू गो so we are available on telegram app too so if you have any doubts any comments you can post it there in our an academy uh, group so this is a course structure तो एक सिंपल सी बात है अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूटर को रखते हो obviously आ इलेवेंथ uh, ट्वेल्थ की जब बात आती है हर सब्जेक्ट के लिए अलग ट्यूटर को रखना पड़ता है क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन ही वैसी है सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट प्राइवेट ट्यूटर फॉर एवरी सब्जेक्ट देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट कॉस्ट्यूफ बॉम आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ख़त्म होते तक फोर मंथ्स या थ्री मंथ्स जितने भी मंथ्स में वो सिलेबस कर, ख़त्म करने की प्रॉमिस करेंगे आपको उतने मंथ्स का उनको फी देना पड़ेगा एंड यू नीड टू पे फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू टेक अ ट्यूशन और वो फोर मंथ्स खत्म होने के बाद आपको कोई एक्सेस नहीं रहेगा वापस डाउट्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए बट दैट्स नॉट द केस ऑन आर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म द एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी एवेलेबल थ्रू आउट यूर सब्सक्रिप्शन पीरियड यानी अगर आप ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे ट्वेल्व मंथ्स के लिए सारे एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आपको कभी भी जो भी डाउट्स हैं आप सॉल्व करवा सकते हो डाउट सेशन में और जो लाइव वीडियोस है लाइव चैट सेशंस है उसमें आप जैसे सेशन डिस्कस कर रहे हैं फैकल्टी मेंबर्स वैसे वैसे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल बिकॉज यू हैव एक्सेस टू क्विजिज एंड टेस्ट ऑल्सो और आपको बहुत सारे लोगों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है सब घर बैठे ऑनलाइन एक ही ऐप के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स का आपको वन ईयर का ट्यूशन मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है एडुकेटर्स uh, का और वीडियोस का एंड यू आर गोइंग टू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस ऑल ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म एंड दैट टू फॉर ओनली ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इफ़ यू यूज माई कोड आर आई टी आई फॉर योर सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग to गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट एंड फ़ी फॉर वन year is गोइंग to बी ओनली 11250 थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी 11250 यानी सिर्फ़ और सिर्फ एवन थाउजेंड टू फिफ्टी रुपीज़ में आपको ट्वेल्व मंथ्स का अनलिमिटेड एक्सेस टू वीडियो सब्जेक्ट्स एजुकेटर्स डाउट सेशन टेस्ट और लाइव सेशन मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एवन में इफ़ यू यूज़ कोड आर आई टी आई आपके सब्सक्रिप्शन के लिए So, please do not delay, enroll today. So, this is the chapter and this is the topic that we are going to discuss today. Uh, before that, we will just check who all are online. Okay, let's continue now. अ वडरफुल ओल्ड टेल सो दिस इज़ बेसिकली दॉर्नबल चैप्टर फॉर जो है लैंडस्केप ऑफ दोल बाय नैथली ट्रॉवरी सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये पर्टिकुलर जो फोटो है यहाँ पर पे, ये यह पेंटिंग है इस परटिकुलर बुक में जिसकी बात हो रही है वो पेंटिंग ये वाली है सो दिस इज़ एन एंशंट चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग

सेवन नाइन्टी नाइन अंडर एट्थ सेंचुरी हिस्स लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमिशन बाय द टैंग एम्पर जुआंग जोंग सो हियर लैंडस्केप का क्या मतलब है कोई भी जो नेचर को रिप्रेजेंट करे उसको हम लैंडस्केप पेंटिंग बोलते हैं सो टैंग डायनेस्टी के समय का पेंटिंग है ये Tang dynasty was uh, a particular dynasty at that particular point of time in 8th century China. Zhuanzong was his name to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long time, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky.

वॉट डिट दी एम्पर यू डू ही हंग दैट पेंटिंग ऑन द वॉल इन द पैलेस एंड ही वुड एडमायर दैट पेंटिंग एवरी डे तो क्या करते थे अपने पैलेस के एक वॉल पर उन्होंने वो पेंटिंग को रखा था एंड ही वुड एडमायर एडमायर यानी बहुत ब्यूटिफुल है करके उस पेंटिंग को हर समय देखते थे and what would he do he would look at the scene discovering forests यानी उसके पेंटिंग के अंदर जो फॉरेस्ट थे, he would uh, look at those forests and try and uh, you know understand the density of those forests and the beauty of those forests through that particular painting to painting ke through wo forests ko dekhte the aur kitne ghane forests hai kahan ke forests hai ye sab ek observation karte the and all of this लुक्स आय से पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डवेल्स अ स्पिरिट तो यहाँ पे एक केव है इस पर्टिकुलर फोटो में सो इट्स नॉट वेरी क्लियरली विजिबल ह्यूर बट देस अ केव इन दिस पर्टिक्युलर माउंटेन्स इन दीज माउंटेन्स सो द पेंटर सेज इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डवेल्स अ स्पिरिट यानि इस केव के जो फुट ऑफ द माउंटेन यानी माउंटेन के नीचे में जो एक केव है उसके uh, अंदर जो है डुवेल यानी रहना ओके डवेल इज बेसिकली टू लिव ड स्पिरिट अ स्पिरिट इज अ गोस्ट इट कैन बी अ सोल इट कैन बी अ गोस्ट इट कैन बी एनी ऑफ दैट ओके सो डू यू हैव एनी डाउट ओके लेट्स कंटिन्यू

The painter entered the cave but the entrance closed behind him and before the astonished emperor could move or utter a word the painting had vanished from the wall to kya hua hai yahan pe ek painter jo hai wo king ko ek painting gift karte hain landscape ka और वो landscape का painting वो emperor uh, जो है वो हर समय admire करते थे देखते थे उसको और उस लैंडस्केप के माउंटेन्स के नीचे एक छोटा सा केव था जिसका एंट्रेंस में वो पेंटर बताते हैं एम्पोर को कि वहाँ पे एक स्पिरिट है एक सोल है एक गोस्ट है तो द पेंटर क्लैप्स हिज हैंड एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्स

और अटरू वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल जैसे ही वो पेंटर ने क्लैप किया केव खुल गया और वो uh, पेंटर जो है वो केव के अंदर चला गया एंड द किंग वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज बाय दिस एंड ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट इट और इतने में क्या हुआ पेंटिंग ही डिसअप्योर हो गया वॉल से नो ट्रेस ऑफ वो डाउजीज ब्रश लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड so uh, after this what happened the artist went into the cave and the painting disappeared disappearing the artist also और उस दिन के बाद वो artist कभी दिखा ही नहीं world में तो इससे क्या समझ में आ रहा है story से कि वो आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग के अंदर चले गए और वहीं पे कहीं गुम हो गए तो द आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग both डिसअप्योर द मोमेंट आर्टिस्ट entered द केव इन द पेंटिंग That's what this paragraph or this particular story is talking about here. So, do you have any doubts in this? Okay, um. Okay, let's continue then. There's no no doubts as of now. So let's continue. Okay, let's continue. सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसियस एंड जुंगजी आर फुल ऑफ दैम दे है मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डरेक्शन सो द सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन सो इससे क्या पता चलता है ये एक स्टोरी है जो चाइना की एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है सो दीज वर द काइंड ऑफ स्टोरीज विद चाइनीज एजुकेशन सिस्टम प्रोमोटेड तो इस स्टोरी में हमको मॉरल क्या समझ में आया है मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ बेसिकली टू शो दैट वैन अ पेंटर पेंट्स अ पिक्चर देन द पिक्चर इज अबाउट द पेंटर सोल वो पेंटर का जो सोल है वो उस पिक्चर में कैप्चर किया गया है दैट द बेसिक आइडिया दैट दे वॉन्ट टू ब्रिंग आउट इन द स्टोरी The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, anecdote is a small story. Ek chote se story ko anecdote bolte beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Beyond this story, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट स्पिरिट यानि इनर सेल्फ जो खुद की पर्सनैलिटी होती है वो खुद का स्पिरिट होता है तो इस इन स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है कि वो इनर स्पिरिट क्या है इन लोगों का इन पेंटर्स की जो इनर स्पिरिट है उसके बारे में हमको समझ में आता है इसमें कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और एन अदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडेंट ड्रॉ The eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders. So Flanders is a region in Belgium, by Belgium country, that I find most representative of Western painting. तो ये पूरा कौन लिख रहा है? ये पूरा अथर लिख रही है। So author ने हमको पहले ये story बताया है, वो Dowsey के बारे में एक ऐसा painter जिन्होंने एक landscape बनाया और एक एम्पोयर को गिफ्ट किया और वो एम्पोयर अपने पैलेस में रख के रोज उसको देखता था बट जब वो पेंटर एक दिन वो एम्पोयर के पास गया और बोले इसके केव के पास जो है वो एक एंट्रेंस है मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ उस केव के एंट्रेंस में एंड क्लैपिस हैंड गोज़ इन टू द पेंटिंग एंड द पेंटिंग एंड द पेंटर बोथ डिस तो ये स्टोरी हमको यहाँ पर बताया है ऑथर ने और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है से इंग दैट इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं कन्फ्यूज वांगजी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टोरीज सेम उसी प्रकार के स्टोरीज है जिसमें किसकी बात होती है आर्ट इन विच नो स्पिरिट इन विच आर्ट वर्ड यानी जो उनका इनर सोल है एक पर्सन का वो रिफ्लेक्ट होता था उनके आर्ट में फॉर एग्जाम्पल वो डाउजीज इनर स्पिरिट तो जो वो डाउजी का जो इनर स्पिरिट था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो केव और केव का एंट्रेंस एंड ऑल ऑफ दैट ओके सो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दे रही है ऑथर यहाँ पे पेंटर

आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंट एट यू वेस्टर्न पेंटिंग सो यहाँ पे क्या हो रहा है दिस इज बीन दज बीन अ कॉन्ट्रास्ट और यू नो कम्पेरिजन दैट इज बींग मेड बिटवीन पेंटिंग्स ऑफ चाइना एंड व वेस्टर्न पेंटिंग इन फिफ्टीन सेंचुरी एंड ट्वर्क दिस इज अगेन अ सिटी इन बेल्जियम अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटेन मेथ्सीज फेल एंड लव विद द पेंटर्स डॉटर द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन एन लॉ इन सच अ प्रोफेशन तो पेंटर्स की और आर्टिस्ट की एक बहुत हाई लेवल और एक स्टेटस होता था सोसाइटी में स्पेशली इन यूरोप सो एनी वन एल्स अदर दैन द आर्टिस्ट एंड द पेंटर्स एंड ऑल दिज पीपल व नॉट कंसिडर टू गेट मैरीड टू दीज पेंटर्स एंड आर्टिस्ट चिल्ड्रेन सो उसी प्रकार से यहाँ पे ये एक ब्लैक स्मिथ था ये ये

तो क्या हुआ है क्विंटन जो है वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए उनके स्टूडियो गए वो पेंटर के स्टूडियो गए और जो यहाँ पे खाली कैनवस थी उस पर एक लाइफ लाइक फ्लाई को ड्रॉ किया इतने रियलिस्टिक था वो फ्लाई कि जो वो पेंटर आए थे और अपना कैनवस देखे He tried to swat it. Swat का मतलब होता है मच्छर को मारने की कोशिश करना, फ्लाई को मारने की कोशिश करना, उसको swatting बोलते हैं। सो so ही tried to swat it away before he realized what had happened. Before ये इसके पहले कि वो रियलाइज करे कि वो पेंटिंग है, सबसे पहला इंस्टिंक्टिव तो उनको ऐसा लगा कि वो रियल फ्लाई है। Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio. तो उनके स्टूडियो में काम करने के लिए क्विंटन को अपॉइंट कर दिया है उस पेंटर ने एंड ही मैरिड इज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ इिस एज तो बिकॉज उन्होंने इतना सुंदर सा फ्लाई ड्रॉ किया उनका टैलेंट बाहर आया है तो वो पेंटर भी वो ब्लैक स्मिथ को एक्सेप्ट कर लिए अपने बेटी के लिए और वो खुद भी इतने बड़े पेंटर हो गए दैट ही वॉज़ वेरी सक्सेसफुल ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ इस एज

तो इफ एन अ मैजिक शो यू सी दैट रैबिट इज़ बींग पुल्ड आउट ऑफ अ हैट इट इज़ एन इल्यूजन सच में खाली khali से नहीं निकाला जा रहा raha उसके अंदर पहले से वो रैबिट बैठा हुआ है सो दैट इज वट इज एन इल्यूजन एन एल्यूजन इज समथिंग दैट सीम्स टू बी समथिंग एल्स बट इन रियलिटी इट इज़ समथिंग एल्स तो एक इल्यूजन क्या है वो एक ऐसा चीज़ है जो एक भ्रम है जो दिखता कुछ है बट एक्चुअली है कुछ और इन ल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आर्ट में चाइना जो एशिया में जो स्पिरिट वो एक इनर्स स्पिरिट जो है पेंटिंग्स में और यूरोप में जो है वो रियलिस uh, रियलिज्म realis, दिखता था तो कितने अच्छे से पेंट कर सकते हो उसमें कितना परफेक्शन लाके आ सकते हो दैट इज व्हाट वाज वटेंट इन यूरोप एंड इन एशिया व्हाट वाज वटेंट इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर ओन पर्सनैलिटी इन अ पेंटिंग इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पर कमीशंस अ पेंटिंग कमीशन यानी मेक्स और आस्क फॉर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इउटर अप्योरेंस बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हेम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क द एम्पयर में रूल ओवर द टेरेटरी ही हैज कॉन्कर्ट बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जो पेंटर हैं सिर्फ उस पेंटर को पता है कि उस पेंटिंग में क्या है उस पेंटिंग का इनर मीनिंग क्या है ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंटर को पता रहता था यानी वो एम्पोर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ही कुड ऑर्डर उसने ऑर्डर किया है कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए मेरे लिए पेंटिंग बना के दो सो ऑल दैट द एम्पोर कुड डू इज टू बाय अ पेंटिंग गेट अ पेंटिंग पेंटेड एंड पुट इट ऑन इज वॉल एंड एडमायर इसके अलावा एक एम्पोर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको इनर स्पिरिट के बारे में उस पेंटिंग का पता ही नहीं है तो इनर स्पिरिट किसको पता है सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिस्ट को पता है जिसने वो पेंटिंग बनाया है बट दर्टिस्ट रिवील टू हेम द मीनिंग ऑफ द वर्क बट ओनली दर्टिस्ट नोज द वे विद ओके इसीलिए वो केव के अंदर वो एम्पोर नहीं जा पाए और सिर्फ वो आर्टिस्ट चले गए और वो डिसोर हो गए थे Okay. Let me show the way. Okay. Let me show the way the Dao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal. beyond any material appearance. क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगोरेटिव पेंटिंग तो इसका क्या मतलब है एक और डिफरेंस यहाँ पर पता चल रहा है हमको वेस्टर्न और यूरोपियन और चाइनीज आर्ट में वो क्या है ये जो चाइनीज आर्ट है दे डिड नॉट बिलीव इन मटीरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन तो उसमें पेड़ का शेप क्या था या वो पेड़ कितना रियलिस्टिक लग रहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं था उसमें क्या इम्पोर्टेंट था उस पेंटिंग में अपनी खुद की पर्सनैलिटी किस प्रकार से कन्वे किया जा सकता है एक ह्यूमन स्पिरिट को कैसे डाला जा सकता है वेराज द वेस्टर्न पेंटिंग कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स दे कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन ड्राॅइंग थेट लुक्ड मोर रियल यानी उनके लिए पेंटिंग में इंपॉर्टेंट चीज थी परफेक्शन कितने अच्छे से आप एक ट्री को ड्रॉ कर सकते हो नॉट अबाउट हाउ रिप्रेजेंटेट द ट्री इज ऑफ योर इन स्पिरिट दैट इज अ सेकेंड डिफरेंस बिटवीन एशियन आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट whereas the european painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle the chinese painter does not choose a single viewpoint his landscape is not a real one and you can enter it from any point then travel in it the artist creates a path for your eyes to travel up and down then back again in a leisurely movement Isme kya दैट अपियन पेंटर विल बेसिकली पेंट सम थिंग फ्राम हिज पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूरोपियन पेंटर एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को देखते हैं तो उनको लगता है ये सनराइज हो रहा है उस लैंडस्केप में तो वो बहुत ब्यूटिफुल है सो ही ड्रॉज दैट ब्यूटी एंड दैट सनराइज सो नेक्स्ट टाइम सम वन सीज दैट पेंटिंग दे विल लुक एट द पेंटिंग एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पेंटिंग ऑफ सनराइज तो अगर एक यूरोपियन आर्टिस्ट एक सनराइज़ की पेंटिंग बनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति वो पेंटिंग देखे उसको समझ में आएगा कि कितनी ब्यूटीफुल सनराइज़ थी वो तो व्हाट डर अ यूरोपियन पेंटर डू द यूरोपियन पेंटर ट्राइज टू पोर्ट्रे व्हाट ही थिंक्स अबाउट द पर्सपेक्टिव और द पेंटिंग दैट ही इज ड्राइंग तो उनको दूसरे पर्सपेक्टिव्स नहीं चाहिए बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को वो प्रेजेंट कर रहे हैं पेंटिंग में वेर चाइनीज पेंटर्स वे डू दे दे डू गिव अ सिंगल लीव देवरी टू द ऑफ़ द पर्सन हु लुक्स एट द पेंटिंग तो जो भी पेंटिंग को देख रहे हैं उनके मूड के हिसाब से उनके समझ के हिसाब से किसी को एक फॉरेस्ट uh, ज्यादा uh, सुंदर दिखता है या किसी को माउंटेन ज्यादा अच्छे लगते हैं या किसी को माउंटेन्स के पीछे जो सनराइज uh, है या सनसेट है वो अच्छा लग सकता है सो एवरी एलिमेंट इन चाइनीज पेंटिंग इज गिवन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट कि जिसको जो पसंद है वो उसको वो हाईलाइटेड दिखे और उसमें उनकी स्पिरिट दिखे दैट्स वाई द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर और आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लीजरली मूवमेंट यानी इतने सारे एलिमेंट्स रहते हैं चाइनीज लैंडस्केप या पेंटिंग में दैट You can choose which is your favorite out of all those elements, and you can uh, look at that element with your own eyes rather than from the painter's point of view. So, these are some of the examples of these paintings. So, this is uh, one painting, this is the first painting that we had uh, looked at. So this is what is the cave painting that uh, Wu Daozi has drawn, and this is another one. So if you see, there are multiple elements. There are clouds. There, are, you know, rivers. There are uh, trees. There are uh, mountains. Everything. So almost all of these paintings have these elements: fog, clouds, trees, mountains, cliffs. Same thing goes with this and also with this particular painting so there are boats there are people traveling in these boats all of these this is even more true in the case of the horizontal scroll in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move to the other adds a dimension of time to any other form of painting पर्टिकुलर पेंटिंग जो है वो टू पेपर्स में है एक पेपर में नहीं है ये बीच से फोल्डेड है तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे देखोगे तो भी एक मीनिंग आएगा उसका व्हाट इज़ दैट मीनिंग दैट यू आर एट अ क्लिफ एंड अंडर द क्लिफ दर इज अ रिवर और समथिंग दैट इज फ्लोइंग इफ यू लुक एड ओनली दिस पार्ट ऑफ द क्लिफ देन यू विल सी अ स्मॉल माउंटेन रेंज विध लॉट ऑफ ट्रीज एंड अ रिवर फ्लोइंगयर एंड यू विल सी बैकग्राउंड माउंटेंस सो ही और इफ़ यू सी दिस पार्ट यहाँ पर आपको एक क्लिफ दिख रहा है सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं और एक वैली दिख रहा है अगर आप ये देखोगे तो इसमें आपको पेड़ दिख रहे हैं और माउंटेंस दिख रहे हैं घर दिख रहे हैं सो दिस इज़ हाउ देयर पेंटिंग्स यूजअली वर दे वर इन सीक्वेंसेस पूरी पेंटिंग एक सेट नहीं हुआ करता था उनको उस पेंटिंग को वो अलग अलग यू नो फॉर्मैट्स में पेंट uh, करते थे ताकि जिसको जो देखना है वो देख सकते हैं और कभी कभी टाइमिंग्स भी नहीं मैच करती थी यानी एक पार्ट ऑफ इट वुड बी सन यू नो डे टाइम एक पार्ट ऑफ इट कुड बी अ नाइट टाइम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर एट अ डिमेंशन ऑफ टाइम व्हिच इज़ आर इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग तो इस uh, प्रकार का जो स्क्रोल हॉरिजॉन्टल स्क्रोल वाली जो ओपनिंग वाली पेंटिंग का यू नो आइडिया है वो और किसी भी पेंटिंग फॉर्मेट में नहीं देखा गया है इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग इट ऑल्सो टेक्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर थ्रू द पेंटिंग यानी वो कितने धीरे धीरे से उस पेंटिंग को अब्जॉर्ब करना चाहता है जो भी व्यूअर है उतने आराम से धीरे धीरे से उनको अलग अलग से खोल के उस स्क्रोल को वो पेंटिंग को एंजॉय uh, कर सकते हैं अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल विच मीन्स फिजिकली ओपनिंग ऑल द स्क्रोल्स एंड मेंटली एबल टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम टू फॉर्म वन सिंगल लैंडस्केप द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड the landscape is an inner one a spiritual one a conceptual space so chinese painter uh, unlike european painter who wants uh, you to look at that landscape with their his or her eyes चाइनीज पेंटर वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड आप उनके दिमाग में घुस के देखो कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है वो क्या दिखाना चाहते हैं उनके पेंटिंग में ऐसा क्या है उनके दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने वो पेंटिंग बनाया है दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देन एंड यू होल्ड योअर ब्रेथ फोर समाइम

वाई बिकॉज योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ कंप्लीटली ऑन डैट वन पॉइंट ऑफ होल्डिंग ब्रैथ तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इन और यंग का जो पेंटिंग्स है चाइनीज यू नो फफी में विच इज़ द डाउस्टिक फिलासफी डाउज़म उसमें जो ये सिमिलर टू तो एक योगिक प्रैक्टिस है जब आप प्राणायाम करते हो और uh, सांस अंदर लेते हो और उसको होल्ड करते हो और बाहर लेते हो तो जो दोनों एक्शंस के बीच में जो वो आप रोक के रखते हो अपने सांस को दैट इज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग व्हाई बिकॉज योर होल कंसंट्रेशन इज ऑन होल्डिंग द ब्रेथ दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस ओके द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल नथिंग कैन हैपन विदाउट इट हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप तो चाइनीज लैंडस्केप में हर लैंडस्केप में एक वाइट अनपेंटेड स्पेस मैंटरीली प्रेजेंट होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है कोई पेंटिंग कोई ड्राइंग कुछ नहीं होता है ऐसे बहुत सारे स्पेसेस होते हैं उनके पेंटिंग्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो स्पेस क्या है दैट इज वेयर मेडिटेशन टेक्स प्लेस दैट इज़ वेयर इन एंड यंग डू नॉट मीट So this is what is the yin and yang. So this is 6 pm, 6am 6 sunrise, that is where it starts. Dono milte hai. and yang within yang. Okay. And this is the utmost yang, that is this particular point. And this is yang within yin. So yin pe yin zyada hai. And this is within it. And this is yin within yang. And this is yin within yin. वाई बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं है इफ़ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे कोई भी वाइट नहीं है इफ़ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे दोनों है और यहाँ पे भी दोनों है और ये जो स्पॉट है इसमें वाइट नहीं है और इस स्पॉट में ब्लैक नहीं है यानी दिस इज़ वेर देर इज़ अटमोस्ट इन वेर देर इज़ नो कंटेमिनेशन ऑफ यंग एंड दिस इज दटमोस्ट यैंग वेन देर इज नो कंटेमिनेशन ऑफ इन This is what we are trying to convey here. So, this is what is the Chinese symbol of Taoism, which represents yin and yang. Yin is the evening, yang is the morning. The warm climate and the cool climate that he is talking about here. Okay, let's continue. This is also. वेर मैन फाइन्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेसन यानि वो एक मैसेन्जर बन जाते हैं वो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेसन बन जाते हैं बिटवीन टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स सो इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ मैन बिकम्स द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ

उसको uh, ये बोल दिया है कि इसकी uh, उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है इट इज़ अंडरस्टूड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेट्री मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट इन द नाइनटीन फोर्टीज द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स वेल यानी कोई कवरिंग लाइक अ करटन इज़ अ वेल कवर uh, करने वाला बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्ररी आर्ट इंटरनेशनली तो इसका क्या मतलब है कि आउटसाइडर uh, आर्ट जो है वो बहुत जल्दी से बहुत मॉडर्न आर्ट में आ गया है विच मीन्स आउटसाइडर आर्ट जो है वो बहुत फेमस हो गया इंटरनेशनली फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेंटिंग्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी प्रकार से इफ यू लुक एट द डाविचीज पेंटिंग्स दे आर ऑल्सो फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड सो इट्स नो लॉन्गर अ कंट्रीज ओन पेंटिंग्स बट इट इज़ एन इंटरनेशनल अफेयर नाउ यानी एक कंट्री की पेंटिंग जो है वो उस कंट्री को ही सीमित नहीं रहा है अब वो इंटरनेशनल हो गया तो अगर एक कंट्री का कोई पेंटिंग है तो वो पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे

वो ऐसे लोगों की आर्ट थी जिसको कोई आर्ट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं किया सो इफ़ यू नो दैट देर आर मैनी पीजी डिप्लोमास एंड यू नो एमए एंड बी ए इन आर्ट्स वेयर दे डू हैव कोर्सेस इन पेंटिंग स्केचिंग एंड ऑल ऑफ दैट सो अगर कोई किसी को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला है पेंटिंग स्केचिंग एक्सेट्रा में तो उनको uh, uh, उनको आर्टिस्ट के तौर पर नहीं रिकोगशन मिलती थी Uh, और उनके टैलेंट को फिर भी उनको दिखाना था तो उनको आउटसाइडर आर्टिस्ट बोलते थे क्योंकि उन वो जो है उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता था सो दिस इज़ अ न्यू मॉडर्न थिंग इसके पहले जैसे एट्थ सेंचुरी इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे आर्ट के बारे में दैट वाज व्हेन आर्ट वाज नॉट एन एजुकेशन इट वाज जस्ट अ टैलेंट व्हिच पीपल हैड अराउंड द टाइम डूब्फे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट यानी जब वो बना रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे इन इंडिया एंड अन ट्यूट जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज जब ये डुबफे अपनी कॉन्सेप्ट को रेडी uh, कर रहे थे डेवलप कर रहे थे इंडिया में एक अन ट्यूट जीनियस यानि uh, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलने वाला एक जीनीस जो है वो पैराडाइज क्रिएट कर रहे थे सो पैराडाइज योर इज़ लाइक हेवन वेरी ब्यूटिफुल यो एज अ गो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट दैट ही बिगैन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटीरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टूडे एज अ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ सो ही इज टॉकिंग ऑट दिस पर्सन तो एक ऐसा पर्सन जिसको शायद आर्किटेक्चर में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला आर्टिस्ट के तौर पे कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिला बट फिर भी वो क्या किए थे रिसाइकल्ड मटेरियल को um, लेकर एक गार्डन को स्कल्प्ट किए थे पत्थर से विच इज टुडे नोन एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ इट्स एटी ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट ऑफ रॉ विजन यूके बेस्ड मैगजीन पाइन इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद एंड हेज़ रॉक गार्डन कल्चर वुमन बाई द वॉटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कावर तो इसमें क्या हुआ है ये ये अगर ये एटी इयर ओल्ड पर्सन थे इन टू थाउजेंड फाइव यानी बहुत पुरानी यू नो पर्सन थे तो ये नेक्चन जी ने जो uh, बनाया है वहाँ पे स्कल्पचर ड्रॉक गार्डन दैट इज व्हाट इज कंसिडर टू बी आउटसाइडर आर्ट व्हाई बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल डिग्री इन आर्ट सो दिस इशू दिस पर्टिकुलर स्कल्पर वाज वेरी फेमस एंड इट वाज ऑल्सो पोस्टेड ऑन द एनिवर्सरी इशू ऑफ दिस पर्टिक्युलर मैगजीन रॉ विजन अस्ड मैगजीन ओके देन लेट्स कंटिन्यू the notion of art brut or raw art was of works that, there, that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for, an, uh, for a, a work of art. something nechun has taken into dizzying heights. तो अगर आपको uh, आपने कहीं देखा होगा देर आर न्यू यू नो फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर यू यूज़ बाइसिकल्स स्पेशली ओल्ड बाइसिकल्स जिसमें यू पुट बास्केट्स एंड यू डेकोरेटेड विद प्लांट्स एंड यू नो फ्लावर्स सो ऑल दीज डी आई वाईज दैट यू डू विद यू यू नो हाउस होल्ड आइटम्स विच यू आर सपोज टू थ्रो अवे सो ऑल ऑफ दैट कम्स इन टू द सेम आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म सो यू टॉकिंग अबाउट

When he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by the way of a European exposition of his works. The five month interactive show, Realm of Nekchand, uh, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says.

बिलीव है कि दैट द पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड और यू नो ब्रिंग सम हैप्पीनेस इन टू द वर्ल्ड उसने जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है और उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है कि लोग उनके गार्डन में एंजॉय uh, करें और uh, गार्डन को भी इंजॉय करें सो दिस इज़ द स्टोरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टूडे सो देर थ्री थिंग्स दैट वी आव डिस्कस द फर्स्ट इज़ Uh, uh, identifying the differences between chinese paintings and european paintings a uh, chinese painter ka a european painter ka mindset kya hai. the second thing that we have discussed today is yin and yang which is the most important uh, philosophy and concept of chinese paintings and china and the third point that we have discussed is about the आउटसाइडर आर्ट यानी ऐसे लोग जो आर्टिस्ट बन गए हैं या फिर जो बहुत टैलेंटेड है पर उनको कोई फॉर्मल डिग्री या एडुकेशन नहीं मिला है आर्ट में दैट दीज आर द थ्री पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड मेनली इन दिस सेशन इन दिस लेसन सो ट्यून एट सिक्स पी एम टमोरो फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लेसन एंड सामोरी ऑफ दिस लेसन थैंक यू सो मच And please uh, like and subscribe to our channel. And if you want to get into our subscription platform, Unacademy platform, then you can download the app. And if you are taking the subscription, use my code RITI to avail a 10% discount. Thank you.